कोरोना संक्रमण के रोकथाम संबंधित बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री, प्रभारी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जीपे त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह, एसडीएम सदर्श गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि रैपिड रिस्पांस टीम होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की नियमित निगरानी करे और रिपोर्ट दे कि मरीज होम आइसोलेशन में रहने योग्य है या नहीं। गंभीर मरीजों को होम आइसोलेशन में न रखा जाए, उन्हें तत्काल कोविड अस्पताल में भर्ती कर इलाज सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग तथा लक्षण वाले कोरोना मरीजों की जाँच के समय ही उनकी अन्य जाँच आदि भी कराई जाए। उन्होंने एसडीएम सदर को निर्देशित किया कि जाँच कैंपों में भ्रमण कर मरीजों के कोरोना जाँच के साथ अन्य जांच भी की भी निगरानी करें। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी प्राइवेट चिकित्सालय को निर्देश किया कि जो भी चिकित्सालय रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं उनकी रिपोर्ट 2 अक्टूबर तक प्रस्तुत करें। उन्होंने रैपिड रिस्पांस टीम के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि ब्लॉकवार रैपिड रिस्पांस टीम के कार्यों की सूचना दें। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अभियान के रूप में कार्य किया जाए, जिससे कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए और 24 घंटे के अंदर उनकी जांच सुनिश्चित हो। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर से चलने वाले संचारी रोग दस्तक अभियान के साथ साथ डोर टू डोर अभियान चलाकर सभी IALI के मरीजों की पहचान कर उनके कोरोना संक्रमण की जाँच सुनिश्चित किया जाए। तीन या चार टीम रूल बंद रहती है, आरआईटी टीम भी और पीएचडी भी, जैसे आज मोहनीपुर, शाहपुर, मणिपुर, कुरमानपुर, ये पीएचडी भी बंद है और आरआईटी भी बंद है। संजय को फिर ये लोग रहते हैं जी, संजय होता है, ठीक है। तो आप ये मुझे बताएं कि कितनी आरआईटी हैं जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किए। अटेंडेंसी है सर, अटेंडेंसी एज पर डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट डॉक्टर गुस्सा में आपके पास होगी कि लास्ट वन भी कम देखें तो उससे पहले का करने का तो कुछ बहुत फायदा है नहीं सर। जैसे हम अगर आरआईटी के हैं तो वहाँ आप एडमिशन सीएम हो जी सर, मगर उसमें दूसरे क्षेत्र का नाम रहता है वो मिलता नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी मीटिंग में ऐसी बात 21 सितंबर के 74 की प्रेगनेंसी में कितने ऐसे केसेज हैं जिसमें ये वाली प्रॉब्लम आप काम नहीं कर रहे हैं तो और क्या काम करते हैं डॉक्टर जी सीएमओ का? एक्चुअली ये पीएससी पे पोस्टेड थे सीनियर आदमी थे, हमें यहाँ जरूरत थी तो मैंने इनको यहाँ अटैच कर लिया। प्रेगनेंसी में कितने लोग ऐसे हैं जिनका एड्रेस गलत है? यदि आपने देखा है और घर केस को मॉनिटर किया तो ये आपके पास होना चाहिए।